Good morning class, this is our new pathology class in which today we will study about the next topic of disturbance in the flow of circulating blood. देखिए हमने अपनी लास्ट क्लास के अंदर थ्रोम्बोसिस पढ़ा था और थ्रोम्बोसिस का जो लास्ट फेट था वो था एम्बोलाइजेशन. उसी एम्बोलाइजेशन को हम आज अपनी इस क्लास के अंदर डिटेल के अंदर पढ़ेंगे कि एम्बोलाइजेशन क्या होता है या एम्बोलिज्म क्या होता है. तो हालांकि वैसे मैंने आपको ये टॉपिक पहले भी बताया था, इसकी डेफिनेशन बताई थी कि एनी सॉलिड लिक्विड और गैसियस मास डिटैच्ड फ्रॉम इट्स ओरिजिनल प्लेस टू अ डिस्टेंट प्लेस फ्रॉम इट्स ओरिजिन गेट डिसलॉज्ड टू डिस्टेंट प्लेस, है ना. तो ये एम्बोलाइजेशन की डेफिनेशन मैंने आपको जनरल बताई थी कि एम्बोलाइजेशन में कोई भी सॉलिड लिक्विड या गैसियस मास अपनी ओरिजिनल जगह से हट करके किसी दूर जगह पर जा करके डिसलॉज्ड हो जाता है तो उसको हम एम्बोलाइजेशन कहते हैं. यहाँ जो डेफिनेशन दी हुई है वो क्या कह रही है कि एम्बोलस क्या है, ये डिटैच्ड इंट्रावेस्कुलर सॉलिड लिक्विड या गैसियस मास होता है जो कि कैरी होता है ब्लड के साथ अपनी ओरिजिनल स्टेट से किसी डिस्टेंट स्टेट में चला जाता है, ओरिजिनल स्टेट से डिस्टेंट साइट पर चला जाएगा. इट इज़ डिफाइंड एज अ डिटैच्ड इंट्रावेस्कुलर सॉलिड लिक्विड और गैसियस मास दैट इज carried in the circulation to a site distant from the site of origin. Origin site से किसी दूसरी site पर जा कर के फंस जाता है, अटक जाता है, तो उसको embolism कहते हैं. अब embolism में most common type embolism का सबसे common type क्या है, thromboembolism. इसीलिए thrombosis के fate में पढ़ाया था मैंने आपको. thromboembolism lodges in the pulmonary circulation, पल्मोनरी सर्कुलेशन में जाकर के फंसता है थ्रोम्बोएम्बोलिज्म. इसके अलावा आर्टरियल एम्बोलिज्म, फैट एम्बोलिज्म, एयर एम्बोलिज्म, एमनियोटिक फ्लूड एम्बोलिज्म एंड अदर कॉजेज लाइक ट्यूमर सेल्स, कॉन्ट्रास्ट मीडिया एट्सेट्रा. इस तरह के एम्बोलिज्म जो है दिखाई देते हैं. आर्टरियल एम्बोलिज्म को अपन सिस्टमिक एम्बोलिज्म भी कहते हैं. तो एक क्लासिफिकेशन में सबसे कॉमन है थ्रोम्बोएम्बोलिज्म. इसके अलावा फैट, एयर, एमनियोटिक फ्लूड, इसमें आर्टरियल नहीं लिखा हुआ है जो आप नोट कर लीजिएगा, और अदर में ट्यूमर सेल्स और कॉन्ट्रास्ट मीडिया भी लिख लीजिएगा. अब पल्मोनरी एम्बोलिज्म देखिए, एम्बोलस जो है वो लॉज हो जाता है लंग के अंदर जा कर के. कहाँ से? डीप वेन थ्रोम्बोसिस DVT जब डिसलॉज हो जाता है. 1,00,000 हॉस्पिटलाइज पेशेंट में से 20 या 25 के अंदर ये दिखाई दे रहा होता है, जिसमें 96% एम्बोलाई डीप वेन ऑफ लेग से ओरिजिनेट होता है. थ्रोम्बाई का फ्रेगमेंट जो है वो वीनस चैनल के द्वारा राइट साइड ऑफ हार्ट में जाता है, वहाँ से पल्मोनरी आर्टरी में चला जाता है, तो ये कहलाता है पल्मोनरी एम्बोलिज्म. अब पल्मोनरी एम्बोलिज्म के बारे में थोड़ा सा और सुनिए कि जो एम्बोलिज्म है इसका कोर्स डिपेंड करता है एम्बोलस की साइज़ के ऊपर. अगर ये बहुत छोटा है तो ये स्मॉलर ब्रांचेस के थ्रू जाता है और एल्वियोलर वेसल में जाके लॉज हो जाता है, और अगर ये काफ़ी बड़ा होता है तो ये पल्मोनरी ट्रंक के बाइफर्केशन में जाकर के ऑक्लूड होता है, जैसे सैडल और सैडल एम्बोलिज्म, और इसे सडन डेथ हो जाती है, तो इस एम्बोलिज्म को अपन क्या कहते हैं, सैडल एम्बोलिज्म कहते हैं. या फिर अगर कोई पर्सन है जिसमें इंटर आर्टरियल सेप्टल डिफेक्ट है या इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट है, तो उसमें एम्बोलाइड राइट साइड ऑफ हार्ट से पास होता है और लेफ्ट साइड में चला जाता है और सिस्टमिक सर्कुलेशन में एंटर हो जाता है. इसको अपन पैराडॉक्सिकल एम्बोलिज्म कहते हैं. तो ये पल्मोनरी एम्बोलिज्म हुआ. दूसरा सिस्टमिक एम्बोलिज्म, जिसको अपन आर्टरियल भी कहते हैं, ये ब्रेन, लोअर एक्सट्रीमिटीज, इंटेस्टाइन्स, किडनी, स्प्लीन में दिखाई देता है. आर्टरियल एम्बोलाई जो है वो इंट्रा कार्डियक म्यूरल या वॉल्व्यूलर थ्रोम्बाई से, एओर्टिक एन्यूरिज्म से या एथेरोस्क्लेरोटिक प्लाग से ओरिजिनेट होता है. पल्मोनरी थ्रोम्बोएम्बोलिज्म के लिए मैंने बोला आपको, बताया कि भाई वीनस एम्बोलाई है जो कि डीप लेग वेन से आता है, हॉस्पिटलाइज या बेड रिडन पेशेंट में दिखाई देता है. लार्ज तो पल्मोनरी आर्टरी के बाइफर्केशन में इम्पैक्ट होकर के सैडल एम्बोलस का काम करता है. मल्टीपल एम्बोलाई भी इसमें हो सकता है, पैराडॉक्सिकल एम्बोलिज्म भी इसमें हो सकता है. पैराडॉक्सिकल मैंने क्या बताया, सेप्टल डिफेक्ट वाला बताया था मैंने, सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाता है. ये पल्मोनरी आर्टरी एम्बोलस दिखाया गया है, तो देखो ये बीच में फंसा हुआ एम्बोलाई दिखाई दे रहा है ना आपको बाइफर्केशन में. अब फैट एम्बोलिज्म,
आर्ट्रियोल्स में और कैपिलरीज में ऑब्स्ट्रक्ट हो जाते हैं फैट के ग्लोब्यूल्स जा करके, तो उसको अपन फैट एम्बोलिज्म कहते हैं, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द कैपिलरीज बाय द ग्लोब्यूल्स ऑफ फैट। मोस्ट कॉमन प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर क्या है भाई इसका? फ्रैक्चर्स ऑफ लॉन्ग बोन्स, लॉन्ग बोन के फ्रैक्चर की वजह से, सॉफ्ट टिश्यू के ट्रॉमा की वजह से, या एक्सटेंसिव बर्न, पैनक्रियाटाइटिस, डायबिटीज मेलाइटस वगैरह में दिखाई देता है। क्लिनिकल फीचर्स पल्मोनरी इंसफिशिएंसी हो जाती है इसकी वजह से, जिससे सांस या तो तेज हो जाएगी या धीरे हो जाएगी और हार्ट बीट तेज हो जाएगी। न्यूरोलॉजिकल सिम्टम में इरिटेबिलिटी होती है पर्सन को, बेचैनी होती है, डेलीरियम और कॉमा में पर्सन जा सकता है, और इसमें थ्रोम्बोसाइटोपिनिया दिखाई देता है, यानी प्लेटलेट का नंबर कम हो जाता है। ये फैट एम्बोलिज्म देखिए। एयर एम्बोलिज्म, गैस बबल सर्कुलेशन में जाते हैं, कॉयल्स होकर के ये फ्रॉदी मास बना लेते हैं और वेस्कुलर फ्लो को ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं। एयर का लार्ज वॉल्यूम जो कि 100 सीसी का होता है, ये पल्मोनरी सर्कुलेशन में इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। एयर का स्मॉल वॉल्यूम ट्रैप्ड हो जाता है कोरोनरी आर्टरी में बाईपास सर्जरी के दौरान, तब भी एयर एम्बोलिज्म दिखाता है, या चेस्ट वॉल की इंजरी के दौरान हो सकता है, या ऑब्स्टेट्रिक या लैप्रोस्कोपी प्रोसीजर करते समय भी ये एयर एम्बोलिज्म हो सकता है। तो भाई या तो एयर का कोई लार्ज वॉल्यूम 100 सीसी तक अपने फंस जाए, तो पल्मोनरी सर्कुलेशन में ये ऐसा इफेक्ट दिखाई दिखाता है अपना एयर एम्बोलिज्म का, या फिर एयर एम्बोलिज्म में डीकम्प्रेशन सिकनेस की वजह से हो सकता है, जिसमें चॉक एंड बैंड डिजीज हो जाती है। बैंड जो है गैस बबल स्केलेटल मसल में अगर फॉर्म्ड हो जाता है जॉइंट्स में, तो उससे वो पेन प्रोड्यूस करता है। लंग्स में एडिमा, हेमरेज, फोकल एटिलैक्टासिस देखने को मिलता है। केशन लेसन जैसे क्रॉनिक डीकम्प्रेशन सिकनेस हो जाता है। एम्बोलाई जो है फीमर के हेड में, टीबिया में या ह्यूमेराई के अंदर भी जा कर के फंस सकता है, तो ये एयर एम्बोलिज्म कॉज करता है, जिसे कि एक्यूट डिकम्प्रेशन सिकनेस और क्रॉनिक डिकम्प्रेशन सिकनेस देखने को मिलती है। एक्यूट डिकम्प्रेशन सिकनेस के सिम्टम को अपन बेंड एंड चॉक डिजीज कहते हैं, बेंड एंड चॉक, जिसमें पेशेंट बेंड होता है पेन के साथ में, उसको रेस्पिरेटरी डिफिकल्टी होती है। और केशन वाला जो है वो क्रॉनिक डिकम्प्रेशन सिकनेस का एग्जाम्पल है। एमनियोटिक फ्लूड एम्बोलिज्म, ये लेबर के दौरान या पोस्टमार्टम पीरियड के इमीडिएटली, पोस्टमार्टम पीरियड क्या होता है, जस्ट डिलीवरी के बाद की स्टेट को कहते हैं। इसमें सांस लेने में दिक्कत आती है, शरीर नीला पड़ जाता है, हाइपोटेंसिव शॉक में पर्सन जा सकता है, दौरे पड़ सकते हैं, कॉमा में पर्सन जा सकता है। पर्सन मतलब वो फीमेल जिसको ये हो रहा है। एमनियोटिक फ्लूड के इन्फ्यूज़न की वजह से या फीटल टिश्यू मेटरनल सर्कुलेशन में चला जाता है, जब प्लेसेंटल मेम्ब्रेन टियर हो जाती है या यूट्राइन वेन रप्चर हो जाती है, तो ये एम्बोलिज्म देखने को मिलता है। तो ये एमनियोटिक फ्लूड एम्बोलिज्म है, ये लास्ट था। इसके साथ आपका ये टॉपिक यहीं पर कम्प्लीट हो जाता है। इसके एमनियोटिक फ्लूड एम्बोलिज्म के क्लिनिकल प्रोफाइल में क्या होता है, पर्सन को रेस्पिरेटरी डिफिकल्टी होती है, डीप साइनोसिस हो सकता है, पल्मोनरी एडिमा, मैसिव ब्लीडिंग और शॉक हो सकता है। बस इसके साथ आपका ये एम्बोलिज्म नाम का टॉपिक कंप्लीट। कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच।